दोस्तों जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा दोस्तों। अलग इसलिए रहेगा कि थोड़ा सा ग्रह के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस साल अगर यदि आप शुभता पाना चाहते हैं और सारी चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ करनी होगी, अपने गुरु को मजबूत करना होगा, बृहस्पति ग्रह को बलवान बनाना होगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय इस समय के लिए, इस साल के लिए, तीन हल्दी की गांठ लें। तीन केवल, बृहस्पति का नंबर तीन होता है, तीन हल्दी की गांठ लें। तीनों हल्दी की गांठ लेने के बाद, हल्दी की गांठ लंबी होनी चाहिए, पतली। हल्दी की गांठ पर सात सात बार, हर हल्दी की गांठ पर सात सात बार कलावा लपेटें। कलावा होता है ना पूजा में, जो बहुत शुभ होता है ये कलावा, पूजा में जो काम आता है उसको हल्दी के गांठ पर सात बार लपेट के उसमें गांठ लगा दें। फिर दूसरी हल्दी के गांठ पर सात बार लपेट कर उसमें गांठ लगा दें। फिर तीसरी हल्दी के गांठ पर सात बार लपेट कर उसमें गांठ लगा दें। हो गया। अब आपको एक मंत्र दे रहा हूँ जो आपको केवल गुरु गुरु में करना होगा, गुरु गुरु करना होगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र को करना होगा आपको। और जितनी ज़्यादा कर सके उतना, लेकिन तीन माला तो कम से कम करना ही होगा, तीन माला से कम ये काम नहीं करेगा। तीन माला कर सकते हैं, बारह माला कर सकते हैं इसकी, और 21 माला कर सकते हैं, बहुत अचूक फल है इसका। यदि इस साल में इस उपाय को आपने किया, और जो हल्दी की गांठ है वो पूजा स्थल में रहेंगी आपके, ठीक है ना। बृहस्पतिवार को पूजा करने के बाद, उनकी उनको वो करने के बाद, धूप दीप करने के बाद आप इसको मंत्र को जाप करें, प्लस हल्दी का टीका, हल्दी को गंगा जल या पानी शुद्ध जल में वो मिला करके और अपने माथे पे गुरुवार को टीका लगाएं। रोज़ लगा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन गुरुवार को तो आपको लगाना चाहिए। आपका ख़राब होगा बृहस्पति, आपका उग्र होगा बृहस्पति, आपका बहुत अच्छा होगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए जो उपाय अचूक है और लाभ अवश्य होगा। इस उपाय का एक फ़ायदा ये है कि लाभ अवश्य होता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा दशाएं चल रही हो तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन लाभ ये उपाय अवश्य देता है ज़िंदगी में। इसको आपको कम से कम सात गुरुवार करना चाहिए उस उपाय को, और पूरे साल भर के लिए। सात गुरुवार करने के बाद पूरे साल भर के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, आपको गुरु ग्रह अच्छा फल देते रहेंगे, ठीक है ना। और इसमें अगर इसको और बढ़ाना चाहते हैं इसकी शुभता को, तो आपको एक काम और करना होगा। कोई भी बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं और गुरु समान हैं तो उनको पीले वस्त्र दान करिए, उनको पीले वस्त्र दान करिए, केसरिया वस्त्र दान करिए उनको पहनने के लिए। कुर्ते पजामे दे सकते हैं, धोती दे सकते हैं, शॉल दे सकते हैं, तो इसका फल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप करके देखें और फिर बताएं मुझे। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।